हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, 8 का तो सिलेबस नियर अबाउट क्लोज होने का, मतलब खत्म होने को आया है। तो अभी तुम लोग नेक्स्ट ईयर में भी मेरा सपोर्ट चाहते हो, मतलब चाहते हो कि मैं बनाऊँ कॉन्टेंट 9 का, तो प्लीज़ कॉमेंट करो कॉमेंट बॉक्स में। और आज जो है क्लास 8 का, मैं अभी 9 बोल रहा हूँ, चैप्टर जो 9 है उसका लास्ट साम है ये हॉर्स। दो ही साम बाकी है, बहुत ही अच्छा साम है हॉर्स, पता ही है हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है, तो बस वही दोनों साम को हम सॉल्व करेंगे बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहां पे कि अ नंबर इज 6 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, इट्स 1/3 एंड इट्स 1/6, फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x। तो चलो अब एक बात बताओ, इसका 1/3 इज 1/2 मींस हाफ 1/3 एंड 1/6, सो हाफ ऑफ, देयरफॉर हाफ ऑफ द नंबर x इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ x इक्वल्स टू x बाय 2। अगर समझ में आ गया तो इतना मत लिखो, यहां से यहां लिख दो डायरेक्ट। सो देयरफॉर 1/3 ऑफ द नंबर x इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 ऑफ x इक्वल्स टू x बाई 3, क्योंकि ऑफ मीनिंग क्या है यहाँ पे तुम लिख सकते हो इन टू, है ना। चलो तो अभी 1/6 ऑफ द नंबर x इक्वल्स टू 1/6 इन टू x, ऑफ मीनिंग x मीन्स इन टू, ऑफ मीनिंग x आई टोल्ड ऑफ मीनिंग इन। अब बोला गया कि इसका एवरेज फाइंड आउट करो, तो इन तीनों का एवरेज क्या होगा, देयरफॉर एवरेज ऑफ द अबव थ्री नंबर, ये थ्री नंबर्स क्या होगा, तीनों को ऐड करो। अच्छा एवरेज के पहले एवरेज सोच बाद में होगा, सम फाइंड आउट करो, क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में है ना, तो डायरेक्ट करूँगा तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। सम क्या होगा, x बाई 2 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 6, तो तुम्हें पता है यहाँ पे ना 6 इज द एलसीएम, 2, 3 एंड 6 का एलसीएम 6 ही होता है। तो यहाँ पे 2 देखो, x बाई 2 के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3x, तो ऊपर में 3x लिखोगे, फिर x बाई 3 के साथ फिर से एलसीएम को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2x, तो 2x लिखते हैं ऊपर में, और x बाई 6 के साथ 6 को ही मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, गॉट इट। तो अल्टीमेटली क्या आएगा 3x 6x बाई 6, अरे बापे कैंसिल हो जाएगा सभी, ग्रेट ग्रेट न्यूज। तो चलो दिस कैंसिल, तो अल्टीमेट आया x, ओके तो मिल गया ना। तो हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, बहुत आसान हो गया अभी। तो अभी क्या है कि बोला गया कि अ नंबर x इज 6 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स, तो अभी ये है तुम्हारा सम, सम इक्वल्स टू x आ गया टोटल सम, तो एवरेज क्या होगा, सो देयरफॉर एवरेज ऑफ द अबव नंबर्स, डायरेक्ट में लिख देता हूं, चलो तो क्या होगा टोटल सम बाय नंबर्स, होता है ना टोटल नंबर ऑफ मींस टोटल सम बाय टोटल नंबर्स, तो टोटल सम बाय टोटल नंबर्स, ओके तो टोटल सम क्या है x है, नंबर्स कितना है 1, 2, 3 नंबर है, तो बाई 3, तो दिस इज द एवरेज। अभी क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया कि देखो कि जो एक्चुअल नंबर वो क्या है, इनका जो एवरेज है उनसे कितना ज्यादा, 6, तो ये 6 है। देखो मैं फिर से पढ़ लेता हूं, देखो अ नंबर इज 6 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ 1/3 1/6, मतलब उनका जो एवरेज है उनसे 6 ज्यादा है, तो नंबर क्या होगा एवरेज प्लस 6, तो नंबर तो दिया मैंने माना था x, तो x इक्वल्स टू क्या होगा एवरेज, क्या अभी आया x बाय 3 और प्लस 6, तो इस वैल्यू को इधर लाना है, तो x माइनस x बाय 3 नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हो इक्वल्स टू 6, अभी यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस x इक्वल्स टू 6, चलो तो ये आएगा 2x बाय 3 इक्वल्स टू 6, ओके तो x का क्या आएगा, x का आएगा 6 इंटू 3 बाई 2, तो कैंसिल करो 2 1 2 2 3 3 3 9, ओके सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 इज द आंसर, गॉट इट। बस
तो एक्चुअल द नंबर इज 9, हो गया। अभी और एक ही सम है, मजेदार सम है, चलो देखो टू नंबर इज, दिस इज द लास्ट सम, बोला गया कि सॉल्व फॉर एक्स, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा सम है, मैं कह सकता हूँ ये, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन है, तुम्हें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो अभी देख सकते हो, तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, पकड़ ले वाई कोई एक वेरिएबल तो हो जाएगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये दिक्कत कर देगा, मिडिल में क्या है, एक्स है, तो इसको कैसे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे तो तुम वाई मान सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे तुम वाई लिख सकते हो, यहाँ पे भी वाई लिख सकते हो, तो बोलोगे सर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, दो वेरिएबल आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। लेकिन देख ही सकते हो, तुम लोगों के पास बुक है तो एक हिंट्स भी दिया गया है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी का ये जो फंडा है, ये जो फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे 49 मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर है, और ऊपर को मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे चैप्टर 7, ठीक है। तो पहले यहाँ पे राफ में करते, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो 28 को तोड़ के माइनस करके 3 लाना है, तो 28 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 7, 28 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 28, इस तरह से कर सकते हो, ये वाला ही आ जाएगा एक्चुअली। देखो और भी होगा, 2 इंटू 14 ऐसे भी होगा, लेकिन देखो 7 माइनस 4 करके तो 3 आ रहा है ना, तो वही तो है 3 मिडिल में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, उतना एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब एक्सप्लेन किया गया है पहले ही, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 28, तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस 7, और यहां से 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x प्लस 4, बस हो गया। और नीचे का जो है चीज वो क्या करोगे, ये साम में ही रखना, रफ वर्क में इसको नहीं रखना, साम में ही रखना, ठीक है। और नीचे का जो है एक्स स्क्वायर माइनस 49 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 49 कैन बी रिटन एज 7 स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी दिस, तो वो ही लिखेंगे। चलो तो इसके जगह पे ये लिखेंगे एक्स माइनस 7 एंड एक्स प्लस 4, इस ऊपर में इस जगह में ये मैंने लिखा है, ये सामने ही रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, ये साम का ही पार्ट है, ओके। एंड नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 49 को इस तरह से लिखो कि एक्स माइनस प्लस 7, चलो जो लिखा है मैंने वही लिख देता हूँ दिस, और यहाँ पे 3/17। अब एक बात बताना है बच्चों, देखो यहाँ पे ना एक्स माइनस 7 एंड एक्स माइनस 7 दोनों सेम है, तुम लोग कहोगे सर इसको काट दे सर, कटोगे, कब कटोगे, जब ये नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो मतलब इसका वैल्यू, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू सोचो जो यहां पे लिखोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, सेवन होगा तो 7-7 जीरो, तो एक्स का वैल्यू अगर 7 होगा तो तुम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो यहां पे पहले ही बोला गया कि एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 7, मतलब एक्स का वैल्यू 7 नहीं है, माइनस 7 भी नहीं है, तो डेफिनेटली तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, क्यों, सिंस एक्स नॉन जीरो इक्वल्स टू 7, एक्स 7 नहीं है, अगर एक्स का वैल्यू 7 ये नहीं दिया जाता तुम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसलिए ऐसे मैंने कैंसिल कर दिया, क्यों, समझ में आया ना। तो बाकी का तो अभी एकदम पहचाना वाला फॉर्मेट है 3/17, अब तो तुम लोग कर पाओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डू इट, 17 को इधर लाओ, एक्स प्लस 4 और 3 इसके साथ एक्स प्लस 7, ओके तो अभी क्या होगा, अभी होगा 17x एंड 16 इक्वल्स टू 3x 21, तो 17x माइनस 3x आएगा, ये वाला इधर आएगा, और 21 माइनस 68, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 14x, और यहाँ पे 7 देन 2 मतलब 4 47, तो एक माइनस आएगा, हाँ तो एक्स का आएगा माइनस 47/14, समझ में आ गया। तो दिस इज आवर आंसर, इसको तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, इसको एज इट इज ही रखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, बस हो गया खत्म चैप्टर, और ये सेशन भी खत्म। नेक्स्ट में देखता हूँ, तुम लोग सजेस्ट करो कमेंट में क्या चाहिए।
जो बोलोगे वो स्टार्ट करूँगा, और चैप्टर 12 जो कंस्ट्रक्शन है अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड क्या बताओ ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ। और क्लास 9 का वीडियो फिर से, मतलब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 9 का वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करो। मैं इस सिलेबस को ख़त्म करने के बाद ही DAV का जो 10 ईयर्स का है वो तो सॉल्व करवाऊंगा, और 9 का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।